अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अब बंद ना कर, तो अभी हाली हाली ना कर यार, ना कर। तो अभी जी मलिक साहब आए हैं, तो उनके साथ हमने जाना है पेट्रोल पंप तक। तो सूरत हाल देखने के कल पेट्रोल पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना कर यार। तो अली भाई ने तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल जो था फुल करवा लिया था, तो अभी हम दोबारा देख रहे हैं जा रहे हैं कि पेट्रोल बंद हो गया, सुबह बंद हो जाना कह रहे हैं गड़ी सामने गड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल देखने के लिए, फिर बंद कर देना। अभी जी हम पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, तो रात के तकरीबन 8-9 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कितना ज्यादा, कल पता चला कि कल यहाँ से पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, तो आप अब आपका रश देख सकते हैं। तो मलिक साहब जो है मेरे फ्रेंड, तो वो भी यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए हैं, तो यहाँ पे रश काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कल अली भाई ने अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करवा लिया था, तो मैंने करवाया नहीं है, तो कल पेट्रोल कह रहे हैं बंद हो जाना है, तो मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ये भाई कह रहे हैं कि जो पीएसओ के पंप ये खुले रहेंगे, हैं? और मैंने नहीं पता खोल नहीं खोल आ खोल भाई, पेट्रोल बाकी बंद हो लगा नहीं कहते, चल तू भरा इतने हाथी तोड़ दे भरा ला गया। तो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद हो गए नहीं, लेकिन अब आप इस तरह आ गए कि कल पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा रश पड़ गया यहाँ पे। तो जाम जाम पैक हाँ चलिए, तो अभी हम तो जाने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद नहीं होंगे, तो काफी ज्यादा आवाम आ गई है पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पे। वैसे तो अभी हम यहाँ पे एक कश्मीर में आके कल पेट्रोल पता नहीं मिलेगा कहते हैं, मलिक साहब भी अभी डाउट में है। तो इस तरह आप यहाँ पे आई हुई ना, तो वैसे लग तो नहीं रहा कि सुबह पेट्रोल मिलेगा, तो मेरी बाइक का पेट्रोल भी खत्म है, मैंने आज सिर्फ 200 का भरवाया, और मलिक साहब की बाइक जो है तो ये काम पे जाते हैं तो इन्हें ज्यादा जरूरत है पेट्रोल की, तो मैंने तो वैसे ही चलाना होता है, बाजार वगैरह जाना होता है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे रश बढ़ गया हुआ है। तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल नील है नील, क्या हो गया क्या नहीं। तो वैसे कल जो जिस पेट्रोल पंप सलीबा ने भरवाया था, वो भी कह रहे थे कि बंद नहीं होगा, तो इन्होंने भी कहा है कि बंद नहीं होगा, आप तो सही रखें, लेकिन आम बहुत ज्यादा पैनिक है, तो आप देख सकते हैं कि दरादर आम आई जा रही है। तो यहाँ पे मलिक साहब अभी अपने मशवरा करते हुए कि पेट्रोल डलवाना है कि नहीं डलवाना। तो अभी हम दोबारा पेट्रोल डलवाने लगे हैं, दोबारा लाइन पे लगे हैं, तो मलिक साहब क्या कह रहे थे? हाँ तो दिलवाई ले, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आम का रश है, तो हमने सोचा भी दिलवाई ले, पता कोई नहीं, पुलिस वाले भी टंकी भरवाने के लिए आ गए यहाँ पे, तो हर बंदा कह रहा है कि मेरा पेट्रोल डाले, तो काफी ज्यादा सेल हो गया आज की रात इनकी। ये क्या है भाई, ले पेट्रोल वाकई नहीं मिलना कि मिलेगा रातों रात सेल होगी तो अभी हमने तो करवा लिया है 500 का पेट्रोल, तो तकरीबन भरा है 3.41 लीटर, थोड़ा कतरा भी पुआना। तो यहाँ पे आप अभी तक सूरत हाल देख ले क्या चल रही है, अब आम आई जा रही है। तो अभी मतलब भाई चेक करेंगे 500 का डला कितना है, 3.41 लीटर डला। तीन किलो हों अभी हमने आयल वगैरह डलवा लिया, अभी वापस जा रहे हैं 500 का मजा आ गया। अभी हम जा रहे हैं अली भाई की दुकान पे, तो वहां जाके
अभी हम जी अली भाई की दुकान पे आए तो अली भाई दुकान बंद कर रहे हैं तो पता नहीं क्या हुआ इन्हें अचानक ही पेट्रोल पंप के हालात देख जाके सारी आवाम उत्थे पहुंची हुई है रश से रश पे आया पेट्रोल भरा ला मुद्दा ते जाके ए नहीं पता किन्ने दिन जो तक घूमन बदल भी ना मनो हाँ कहते हैं खुले ना अला जाने खुलते के नहीं खुलते अला जाने लेना के लेना आवाम ही बस। तो ये थी जी आज की छोटी सी एक वीडियो थी एक न्यूज थी मैंने पेट्रोल पंप पेट्रोल वगैरह भरवाने गए थे तो देखी थी तो मैंने एक रिकॉर्ड कर लिया आपको भी दिखा दें कि क्या सूरत आज चल रही है। तो अगर ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को करें लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब तब तक इतना ही अल्लाह हाफिज़।